संत कभी श्राप नहीं देते, साधु संत श्राप नहीं देते, लेकिन नकली लोग दिया करते। तो जो तुम भोजन बना के मैं बनाऊंगी, कहीं कोई टूटी ना रह जा किसी नमक मसाले में बनाने में, बनाकर भोजन नरे नरे आइटम, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी अलग से, लड्डू दही बड़े, हलवा पूरी कचौड़ी सब बना के बड्डे से थाल में कटोरियों में डाल के महात्मा जी के सामने खुद परोसा। अब परमात्मा ने क्या किया, कटोरी तो न्यारी रख दी अलग अलग, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोजन डाल लिया, सब आइटम ले लिए, थोड़े थोड़े भी मेहनत करी है बेटी ने, और थोड़ा थोड़ा इतना सा सारा डालकर थाली में इकट्ठा करने लग गया। अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस का खाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा भोजन बना दिया है, उंगली खाओगा उंगली चाटेगा और सौ जगह मेरी महिमा बांटेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने, भाई ऐसा भोजन सुना ही नहीं, देखा भी नहीं इतना स्वादिष्ट। अब उसने बनाते दृष्टिकोण से था, सभी बहनों की यही एक टेंडेंसी होती है कि अतिथि राजा रथ कोई मेरे बनाए हुए भोजन में त्रुटि ना रहे, कहीं ये बाहर